हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन मैथमेटिक्स। तो ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। हाय स्टूडेंट्स, मैं आपका प्यारा सर शुभम सर आज फिर लेकर आया आपके लिए एक नई वीडियो। देखते हैं आर्स अग्रवाल क्लास 10th एक्सरसाइज 2B। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। पी एक्स दिस ऑन डिवाइडिंग दिस पी एक्स वी हैव कोशेंट दिस एंड द रिमाइंडर दिस, देन फाइंड द जी एक्स पोलोनोमियल। क्वेश्चन आपकी समझ आ गया। आपके पास एक पोलोनोमियल है पी एक्स, आप इस पोलोनोमियल पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड कर रहे हो। आपके पास कोशेंट ये आता है और रिमाइंडर आपका ये आता है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जा रहा है कि आपका जो ये पोलोनोमियल है जी एक्स जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, ये आपका क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपकी समझ आ गया। देखते हैं आप सोल्यूशन। सोल्यूशन देखो क्या है, आपके पास एक डिविजन एल्गोरिथम होता है। क्या होता है? डिविजन एल्गोरिथम। वो क्या होता है आपका? वो होता है आपका डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट और प्लस रिमाइंडर। होता है ना, ये अभी लास्ट वीडियो में सीखा था। अब देखो डिवाइडेंड, डिवाइडेंड आपका वो नंबर होता है जिसे आप डिवाइड करते हो। तो डिवाइडेंड कितना है आपको गिवन? 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू डिवाइजर। डिवाइजर में जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, डिवाइड किससे कर रहे हो आप? जी एक्स से। तो डिवाइजर आपका जी एक्स आपका ऐसे कैसे? मल्टीप्लाई बाय कोशेंट। कोशेंट आपका 3x - 5 जो कि क्वेश्चन में आपको गिवन है। 3x - 5 प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर भी आपको क्वेश्चन में ये गिवन है। क्या है? 9x + 10। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर हमें जी एक्स निकालना है, तो ये नंबर जो प्लस के है ये धरा का माइनस के हो जाओगे। आप क्या लिखोगे? 3x³ प्लस x² प्लस के 2x है, 9x ही धरा का माइनस के हो जाओगे। तो ये प्लस के 2x माइनस के 9x दैट इज -7x प्लस 5 एंड -10 दैट इज -5 इज इक्वल्स टू जी एक्स इंटू 3x - 5। क्लियर? अब यहां से आपको जी एक्स निकालना है, तो ये नंबर मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे? जी एक्स इज इक्वल्स टू 3x³ प्लस x² माइनस 7x माइनस 5 डिवाइड बाई 3x - 5। क्लियर? अच्छा, अब जी एक्स निकालना है, तो आपको इस पोलोनोमियल को इस पोलोनोमियल से आप डिवाइड कर दो। देखो डिवाइड आप यहां पर देखो, क्या आपके पास 3x - 5, इससे आपको डिवाइड करना है। किसको? 3x³ प्लस x² माइनस 7x एंड -5। चलो करते हैं आप डिवाइड। सबसे पहला आप ये वाला बैलेंस करोगे। क्या है? 3x है आपके पास, आपको चाहिए 3x³। तो आपके पास x² की कमी है, तो क्या करोगे आप? x² से मल्टीप्लाई कर लोगे। ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, x² की मल्टीप्लाई 3x में करोगे तो 3x³ x² की मल्टीप्लाई -5 के साथ, तो ये हो जाएगा आपका माइनस के 5x² सब्ट्रैक्ट करोगे साइन चेंज, माइनस प्लस ये आपके कैंसिल, प्लस x² प्लस 5x², तो ये हो जाएगा आपका प्लस के 6x² माइनस 7x एंड -5। ये आप नीचे ऐसे ही नोट डाउन कर लोगे। नेक्स्ट आपके पास है 3x, ये आपको 6x², तो क्या करना होगा आपको? प्लस के 2x से मल्टीप्लाई करनी होगी। करो मल्टीप्लाई, 2x की मल्टीप्लाई 3x के साथ 6x², 2x की मल्टीप्लाई -5 के साथ माइनस के 10x, सबट्रैक्ट करोगे साइन चेंज, माइनस प्लस ये तो आपके कैंसिल हो गया। माइनस के 7x है, प्लस के है 10x, तो प्लस के बच गया आपके 3x और माइनस के 5 आपके एज इट इज। 3x चाहिए और 3x ही आपके पास है, तो क्या करोगे? प्लस के 1 की मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? 3x माइनस 5 साइन चेंज माइनस प्लस सब कट गया, आंसर 0। तो आपने क्या नोट किया कि इस जो जी एक्स की वैल्यू है वो कितने आई? x² प्लस 2x प्लस 1 योर आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 12 13 14 15 ये सारे बिल्कुल सेम एक ही टाइप के क्वेश्चन है, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 15 करा रहा हूँ।
बीच में जो भी क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं आप खुद प्रैक्टिस करोगे, अगर नहीं कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे बाद में कमेंट सेक्शन में पूछ लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 इज, इफ एक्स इज इक्वल टू 2 एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 आर द जीरोज ऑफ दिस पोलोनोमियल, देन फाइंड द अदर जीरोज ऑफ दिस पोलोनोमियल। क्लियर? अच्छा, पोलोनोमियल को चेक करो कितनी डिग्री का है, मतलब इसकी हाईएस्ट पावर चेक करो सबसे पहले आप कितनी है। हाईएस्ट पावर है इसकी 4, तो इसकी अगर 4 इसकी पावर होगी तो इसकी डिग्री 4 होगी। मैंने आपको बताया था कि अगर जो भी पॉलिनोमियल आपका उसकी जितनी डिग्री होगी उसके उतने ही जीरोज होंगे। यहाँ पर आपको देखो 4 डिग्री का ये आपका पॉलिनोमियल गिवन है, तो इसके 4 जीरोज ही एग्जिस्ट होंगे और 4 जीरोज में से 2 जीरोज आपको गिवन है और 2 आपको बाकी बचे हुए है जो रिमेनिंग वे आपको फाइंड आउट करना है। देखो सबसे पहले आप कैसे करोगे, मैं पहले आपको एक छोटा सा एग्जांपल देकर समझाता हूँ। मान लो आप यहाँ पे आपके पास एक नंबर है 24, ठीक है ना। इस 24 के मैं दो फैक्टर ले रहा हूं, एक 4 और एक 2 ले लिए। इसके दो फैक्टर लिए 4 और 2। क्लियर है? क्यों? क्योंकि ये 4 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है और 2 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है ना। अच्छा, अगर मैं इन दोनों नंबर्स की जो ये आपके फैक्टर्स है अगर इन दोनों की हम मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कितना मिलेगा 8। तो क्या ये 8 भी 24 का फैक्टर होगा? यस। तो आपने क्या चेक किया, अगर किसी भी नंबर के कोई दो फैक्टर आपके पास और उनकी अगर आप प्रोडक्ट कर रहे हो तो ये नंबर भी आपका उस गिवन नंबर का फैक्टर होगा। सिमिलरली इसी कंसेप्ट का यूज करके देखो हम अपना क्वेश्चन करेंगे। अगर x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 2 इसका माइनस 0, ये इसके जीरोज है, तो आप क्या लिख सकते हो, 2 इधर आगे माइनस का, x माइनस 2 एंड x प्लस 2 आर द फैक्टर्स फैक्टर्स ऑफ px। ठीक है यहां तक? अगर x इज इक्वल टू 2 इसका जीरो हो जाए तो जरूर x माइनस 2 एंड x प्लस 2 आर द जीरोज ऑफ px। दैट इंप्लाइज x माइनस 2 इंटू x प्लस 2 आर ऑल्सो द जीरोज द फैक्टर सॉरी फैक्टर ऑफ px। तो इन दोनों की प्रोडक्ट भी फैक्टर होगी px की। दैट इंप्लाइज अच्छा x प्लस 2 x माइनस 2 ये क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर डिफरेंस, दैट मीन x स्क्वायर माइनस 4 आर ऑल्सो द फैक्टर ऑफ px। ठीक है यहां तक की? अब अगर ये इसका फैक्टर है तो अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आंसर कितना मिलेगा, आपको रिमाइंडर 0। चेक करते हैं, चलो नाउ करते हैं, चलो डिवाइड एक्स स्क्वायर माइनस 4 से आप डिवाइड कर दो अपने गिवन पॉलिनोमियल एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 34 एक्स स्क्वायर और माइनस 4 एक्स एंड प्लस के 120 को। चलो करते हैं अब हमने अपना डिवाइड। सबसे पहले एक्स स्क्वायर आपके पास एक्स की पावर चाहिए 4, तो एक्स स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई करोगे, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो ये बन जाएगा आपका एक्स टू द पावर 4। अच्छा, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई माइनस 4 के साथ करोगे तो कितना होगा, माइनस 4 एक्स स्क्वायर। मैंने लाइक टर्म के नीचे यू वाली टर्म लिख ली अपनी। क्लियर है? अच्छा, सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस ये हो जाएगा प्लस, एक्स की पावर 4 से तो एक्स की पावर 4 कैंसिल, एक्स क्यूब अपना ऐसे कैसे ही, माइनस क्या है 34 एक्स स्क्वायर और प्लस क्या है 4 एक्स स्क्वायर, तो बचेगा आपका माइनस के 30 एक्स स्क्वायर। क्लियर? माइनस 4 एक्स प्लस 120 ये मैंने ऐसे ही नोट कर दिया नीचे। अब एक्स स्क्वायर है आपके पास, आपको चाहिए एक्स क्यूब, क्या करना होगा प्लस के एक्स से मल्टीप्लाई करनी होगी, करो मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर की एक्स मल्टीप्लाई एक्स क्यूब, एक्स की मल्टीप्लाई माइनस के 4 के साथ ये हो जाएगा माइनस के 4 एक्स, सब्ट्रैक्ट करोगे साइन चेंज माइनस एंड प्लस, ये माइनस के 30 एक्स स्क्वायर ये तो आप पैसे कैसे ही, माइनस के 4 एक्स प्लस के 4 एक्स ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा ओनली प्लस के 120। अच्छा, एक्स स्क्वायर आपके पास है आपको चाहिए माइनस के 30 एक्स स्क्वायर, क्या करना होगा माइनस के 30 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस के 30 की मल्टीप्लाई करते ही क्या होगा माइनस के 30 एक्स स्क्वायर, माइनस के 30 की मल्टीप्लाई माइनस 4 के साथ करोगे तो प्लस के 120, सब्ट्रैक्ट करोगे साइन चेंज प्लस माइनस सब कुछ कैंसिल आंसर 0। अब देखो आपका जो डिविजन एल्गोरिथम होता है वो क्या होता है,
डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट। तो आप इस पी एक्स को कैसे लिख सकते हो? अब आप इस पी एक्स को लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस फोर इंटू दिस कंप्लीट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30। अब इनको कर दो आप फैक्टराइज। फैक्टराइज ये किसका फैक्टर हो जाओगे? एक्स प्लस टू एंड एक्स माइनस टू। अच्छा इसके फैक्टराइज देखो करने के लिए क्या करोगे आप, 30 की मल्टीप्लाई 1 में 30 बन जा 30। 30 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करके 1 मिल जा, तो 6 फाइव जा 30 होता है। तो आप इसे लिख लोगे एक्स स्क्वायर प्लस, इस एक्स को लिख लो आप 6x माइनस 5x और माइनस के 30 आपके ऐसे के ऐसे ही, ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू एंड एक्स स्क्वायर। दोनों में से क्या कॉमन है आपका? एक्स कॉमन है, क्या बचेगा? एक्स प्लस सिक्स। इन दोनों में से माइनस फाइव कॉमन ले लीजिए आप, तो ऐसा कितना मिला आपको? एक्स प्लस सिक्स। नाउ एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू, दोनों में से एक्स प्लस सिक्स कॉमन ले लो आप, क्या बचेगा? एक्स माइनस फाइव। क्लियर है? फैक्टराइज आपका पी एक्स हो चुका, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा था क्वेश्चन में आपसे फाइंड द जीरोज। जीरोज देखो यहां पे देखते हैं, आपका पी एक्स ये आ गया, ये दो तो उसने गिवन थे, तो अदर टू कौन से बच गए रिमेनिंग? ये बच गया आपके एक्स प्लस सिक्स एंड एक्स माइनस फाइव। अच्छा तो यहां से आपके जो जीरोज निकलेंगे, एक्स की वैल्यू निकलेगी, वो क्या निकलेगी? माइनस सिक्स एंड प्लस फाइव, योर आंसर। क्लियर है? नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19। 15 के बाद नेक्स्ट सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, उनको भी आप खुद ट्राई करोगे, नहीं होगे तो मैं करा दूंगा, बाद में आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, पी एक्स आपको एक पॉलीनोमियल गिवन है, इसके यहाँ पे दो जीरोज 3 प्लस रूट टू और 3 माइनस रूट टू गिवन है, और बाकी अदर टू रिमेनिंग जो जीरोज बच गए वे आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है यहाँ तक की। अच्छा यहाँ पर देखो ये आपको दो जीरोज गिवन है, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि अगर आपके पास कोई दो जीरोज अल्फा एंड बीटा गिवन है तो इससे आप एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बना लेते हो, कैसे? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और इनटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये होता है ना आपका। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आप बना सकते हो अगर आपको कोई दो जीरोज अल्फा और बीटा पता हो। सिमिलरली इसी का ही यूज करता अब हम अपना क्वेश्चन करेंगे। मान लो ये आपका जो पहले वाला है ये तो है आपका अल्फा, तो लेट अल्फा इज इक्वल्स टू 3 प्लस रूट टू एंड बीटा इज इक्वल्स टू 3 माइनस रूट टू। नाउ अब देखो ये दो आपके पास दो जीरोज हो गए अल्फा और बीटा, तो यहां से हम एक अपना क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बना लेते हैं, देन क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो, इन दोनों का जब आप प्लस करोगे, देखो प्लस रूट टू और माइनस रूट टू तो हो जाएंगे कैंसिल, 3 प्लस 3 6 और ये बाहर आपका एक्स प्लस, इन दोनों की होगी प्रोडक्ट। अच्छा इन दोनों की प्रोडक्ट देखो अल्फा इंटू बीटा 3 प्लस रूट टू एंड 3 माइनस रूट टू, ये क्या हो जाएगा? 3 स्क्वायर माइनस रूट टू का स्क्वायर, स्क्वायर डिफरेंस वाली प्रॉपर्टी आपने अप्लाई कर दी। अच्छा देखो नेक्स्ट क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x, 3 का स्क्वायर 9, रूट टू का जगह 2, 9 माइनस 2 दैट इज 7। तो आप क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 इज अ फैक्टर, फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो ये पी एक्स का क्या होगा, एक फैक्टर होगा, और अगर फैक्टर होगा तो इसे डिवाइड भी करेगा। चलो चेक करते हैं, अब एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 सब आप डिवाइड कर दो अपने पॉलीनोमियल पी एक्स को, ये आपका 2x की पावर 4 माइनस 11x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर और प्लस 13x माइनस 7। क्लियर है यहां तक? करते हैं डिवाइड। देखो डिवाइड करने के लिए सबसे पहला आप मैक्सिमम पावर का जो कोफिशियंट है उनको बैलेंस करोगे, यहाँ पे आपका कोफिशियंट कितना 1 चाहिए 2, तो आप 2 लिख लो। एक्स स्क्वायर है आपके पास, आपको चाहिए एक्स की पावर 4, तो 2 की कमी है तो आप एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, 2x स्क्वायर की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करोगे तो 2x की पावर हो गया 4, 2x स्क्वायर की मल्टीप्लाई माइनस की 6x में कर दो, माइनस 6 टू जा 12, एक्स स्क्वायर की एक्स मल्टीप्लाई एक्स क्यूब,
अब 2x² की मल्टीप्लाई 7 में कर दो तो ये हो जाएगा 7 × 14x² सब्ट्रैक्ट करोगे साइन चेंज, माइनस ये प्लस हो जाओगा, ये माइनस हो जाओगा, देखो ये तो कैंसिल हो गया, माइनस के 11x³ प्लस के 12x³, तो प्लस का बचेगा x³ प्लस के 7x² माइनस के 14, तो माइनस के बच गए 7x² प्लस के 13x और माइनस के 7, ये आपने ऐसे लिख लिया। अच्छा इसके बाद x² है चाहिए आपको x³, क्या करना होगा प्लस के x से मल्टीप्लाई करो जी, x की x² में मल्टीप्लाई x³, x की मल्टीप्लाई -6x के साथ माइनस के 6x², x की मल्टीप्लाई +7 के साथ ये हो जाएगा आपका 7x, सब्ट्रैक्ट करोगे साइन चेंज, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये तो आपके कैंसिल हो गया, माइनस के 7x² प्लस के x² तो बच गए आपके माइनस के x² प्लस के 13x माइनस के 7x तो प्लस के बच गए 6x और माइनस के 7 आपका ऐसा का ऐसा ही। नाउ अब आपके पास x² है चाहिए आपको -x², तो माइनस के 1 से कर दोगे मल्टीप्लाई, माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करते ही -x² माइनस के 1 की -6x के साथ करोगे प्लस के 6x, माइनस के 1 की मल्टीप्लाई +7 के साथ करोगे माइनस के 7, सब्ट्रैक्ट करोगे साइन चेंज, ये माइनस का था ये प्लस का हो गया, प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का था ये प्लस का होगा, सारे कैंसिल आउट जीरो। अब यहां से आप क्या कह सकते हो, इधर देखो आप px को क्या लिख सकते हो, डिवाइडेंड मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट, ठीक है, तो आप px को कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे x² माइनस 6x प्लस 7, x² माइनस 6x प्लस 7 इंटू कोशेंट 2x² प्लस x और माइनस 1, क्लियर है, आप इसे ऐसा लिख लोगे। इसके बाद इसके फैक्टर देखो कितने हो गए, अच्छा देखो यहाँ पे इसके फैक्टर ये क्या आ जाएंगे, ये आ जाएंगे ना 3+√2 एंड 3-√2, क्योंकि यहीं से तो लाए थे हम, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, x इज इक्वल टू कितना, एक तो हो जाएगा -3-√2 एंड एक हो जाएगा x-3+√2, क्लियर है यहां तक। अच्छा अब इसके फैक्टराइज करने हैं आपको, क्या लिखोगे आप लिखोगे 2x² 2 और 2-1 करोगे तो ये हो जाएगा आपका 1, तो आप लिख लोगे इस x को 2x - x और -1 आपका ऐसा का ऐसा ही। नाउ ये आपने ऐसे कैसे x-3-√2 और ये आपका x-3+√2, ये तो क्लियर है यहां तक। अब इसको देखो दोनों में से आपके 2x कॉमन है, तो 2x कॉमन लेते हैं क्या मिलेगा आपको x+1, इन दोनों से -1 कॉमन ले लीजिए आप तो x+1, x+1 दोनों में से कॉमन ले लेंगे नेक्स्ट लाइन में तो x-3 और -√2 और ये आपका x-3+√2 हो गया। अब यहां से क्या कॉमन हुआ x+1 और अंदर क्या बचेगा 2x-1, तो यहां से अदर टू जीरो जो आपके मिलेंगे वे क्या मिल जाओगे, ये आप जीरो के इक्वल करोगे तो एक्स की क्या वैल्यू मिलेगी आपको -1 और यहां से कितना मिलेगा 1/2, ये आपके हो गया आंसर, क्लियर है। तो डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज 2B आपकी कंप्लीट हो चुकी, ठीक है। अगर आपको इस एक्सरसाइज में किसी भी पॉइंट में कुछ भी छोटा सा भी आपको थोड़ा सा भी डाउट आता हो तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। आज तक यहीं पे रखेंगे और मिलते हैं नई नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको हेल्पफुल लगी हो, तो आप प्लीज वीडियो को करो, हमारी इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।